और देखिए जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका, कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता ट्रैप किया गया है। एसीबी ने मनीष चांदना को 1 लाख की घूस लेते दबोचा है। परिवादी से 1,27,000 रुपए की घूस मांग रहा था, लेकिन एसीबी ने ट्रैप कर लिया। आपको बता दें कि बिलों के भुगतान करने के एवज में ये घूस मांग रहा था। एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता ट्रैप किया गया है। नाम है इसका मनीष चांदना, जिसको एसीबी ने 1 लाख की घूस लेते दबोचा है। परिवादी से इसने 1,27,000 की घूस मांगी थी। दरअसल बिलों के भुगतान करने की एवज में ये घूस मांग रहा था। नवीन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, वाकई में इसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता आपको एसीबी ने ट्रैप किया है। सबडिविजनल इंजीनियर है ये, इसका नाम मनीष चांदना है। 1 लाख रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। एसीबी से कार्रवाई डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इस लोगों ने शिकायत कराई थी, इसकी फर्म द्वारा किए गए भुगतान के जो बिल थे उनको उनका भुगतान करने और किए गए कार्यों की मेजरमेंट बुक एम डी बनने की अवधि में जो मनीष चांदना है, सब डिविजन इंजीनियर है, वो रिश्वत की डिमांड कर रहा था। तो एसीबी ने सब बुकिंग वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एसीबी की टीम है फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े उम्मीद है एसीबी की टीम है जो आरोपी का आवास है वहां पर भी पहुंच चुकी है। वैसी सर्च की जा रही है, वैसी सर्च में क्या कुछ सकता है देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दूं एसीबी ने मौके से कुछ दस्तावेज भी जब्त किया है, उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नवीन, कितने बिलों के भुगतान के लिए इसने रिश्वत मांगी थी, कितने का बिल था? 1,27,000 रुपए की रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी और उसको लगातार कराया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि जब तक आप नहीं दोगे मैं आपके बिलों का भुगतान नहीं करूंगा और आपके जो कार्य की मेजरमेंट यानी एम बी सी मैं उसको नहीं करूंगा। और इसी एवज में 1,26,000 रुपए की डिमांड की गई थी। 27,000 तो बताया जा रहा है कि पहले मिल चुका था और आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के माध्यम से इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है वो संदिग्ध हो सकती है। फिलहाल एसीबी ने एक ही शख्स को गिरफ्तार किया है। जो आप सुपर एस पी की तस्वीरें देख सकते हैं रेड शर्ट टी शर्ट के अंदर जो आरोपी है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, 1 लाख तो अपने आप में ही बड़ी रिश्वत की राशि है और इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। फिलहाल जो मनीष चांदना है जो सब डिविजनल इंजीनियर है वो गिरफ्तार हुआ है। उन पर जो निचले स्तर के जो अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में सामने आ सकते हैं। तुम समय यही बता रहे हैं एसीबी की टीम 2 या 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। नवीन, हम चाहेंगे एक बार फिर से बताइएगा किस किस से और इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, वो दो और लोग कौन है जिनसे पूछताछ की जा रही है? देखिए, अभी तक इन दो जो कौन कौन थे उनका अभी एसीबी ने नाम का खुलासा नहीं किया है। हो सकता है जो शाम तक उनका खुलासा हो जाए, लेकिन फिलहाल जो मनीष चांदना है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे एसीबी टीम चले। ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही उपमंडल अभियंता है जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है। परिवादी से इसने 1,27,000 रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन शिकायत पर एसीबी ने इसे ट्रैप कर लिया है। बाकी कुछ लोग और बताए जा रहे हैं पूरे मामले में जिनकी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल एसीबी की तरफ से नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसकी कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता है ये, इसका नाम मनीष चांदना है, जिसको रिश्वत के साथ एसीबी ने ट्रैप कर लिया है।